बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस्सा एक भिखारी का। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा करता था, जो मस्जिद में आने वालों से भीख मांगा करता था। एक बार एक अंग्रेज़ अफसर का तबादला उसी जगह हुआ। उस अफसर की बेगम को तारीखी इमारत और इबादतगाहें देखने का बड़ा शौक़ था। उसे पता चला कि यहाँ एक जामा मस्जिद है जो बड़ी पुरानी है। उसने अपने खावन से कहा और वह दोनों सरकारी गाड़ी में बैठ मस्जिद देखने चले। मस्जिद को देखकर जब वापसी पर आए तो सीढ़ियों पर बैठी भिखारी को देखकर अफसर की बेगम ने अपना पर्स खोला और उसमें से रकम निकालकर फकीर को दी। इसी बीच उसका हीरों का हार भी किसी तरह उस फकीर की झोली में गिर गया, जिसके ना तो फकीर को खबर हुई और ना उस अफसर की बीवी को ही पता चला। वह लोग चले गए। जब भिखारी जाने के लिए उठा तो वह हार उसकी झूले से गिरा। उसे बड़े हैरत हुई कि ये कहाँ से आया। उसने सोचा कि ये यकीनन उसी अफसर की बीवी का होगा। ऐसा कीमती हार किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। उसने उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। काफ़ी अरसा गुजर गया। करीब साल बाद वही फौजी अफसर उस मस्जिद में आया। उस भिखारी ने उसे देखकर पहचान लिया और दौड़कर उसके पास गया और कहा, जनाब 2 मिनट मेरी बात सुन ले। अफसर ने कहा, जल्दी बताओ क्या कहना है। उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपकी एक अमानत मेरे पास है। वह अफसर हैरानी से बोला, मेरी कैसी अमानत? उस भिखारी ने कहा, शायद आपको याद हो कि करीब साल भर पहले आप अपनी बेगम के साथ यहाँ आए थे और उन्हीं सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी को भीख देते हुए आपकी बेगम का हार गिर गया था। वह मेरे पास अमानत है, आपकी वह ले ले। अंग्रेज़ अफसर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि तो मांगने वाला है और हमें तो पता भी नहीं था कि हार कहाँ गुम हुआ। अगर तो उसे बेच देता तो एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सकता था। फिर क्या वजह है कि तू उसे संभाल ले रखा और आज मुझे दे रहा है? भिखारी ने कहा, ठीक है, मैं एक भिखारी हूँ लेकिन इसके साथ एक मुसलमान भी हूँ। तुम एक ईसाई हो, मेरी गैरत ने गवारा ना किया कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती ने मेरे उम्मत की चीज छुपाई और उसे वापस ना की और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी नबी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। क्या आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है?